सर एक सवाल और है, जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव नगर, सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी पार्टी की नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, वर्षों वर्ष उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है, उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि एक महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहां का। यहाँ पे आगे नीचे रखा बीजेपी के लोग नीचे कर लेंगे तो कैसे आ गया, हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं सर अपना हटाइए कि सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुस्लिम भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है, ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं, और जब देश में इतनी महंगाई हो तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली, यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1,000 2,000 जब तो एक भर्ती में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1,000 2,000 सोचिए, यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। करना है अब हमको, हमें कैसा भारत चाहिए, समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आइए।